नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एडिनियम प्लांट का एक मोस्ट डेंजरस किलर डिजीज ब्रांच रॉट के बारे में कुछ दिखाने जा रहा हूं। अगर आपके प्लांट्स में भी यही डिजीज हुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर पसंद आए ये वीडियो तो लाइक करना ना भूले। दोस्तों, मेरे ये प्लांट में इसकी जो ब्रांच यानी कि स्टेम है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। मैंने इस प्लांट को बॉन्साई के लिए ट्रीट किया था, लेकिन इसकी जो स्टेम है वो यहाँ तक सॉफ्ट हो गई है, तो मैंने इसे नीचे से यहाँ से कट कर दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप ब्राउन सा सर्कल देख रहे हो बीच में, ये ब्रांच रॉट है और कुछ नहीं, ये ब्रांच रॉट है। ये ऊपर से नीचे तक आ गया है। अभी अगर मैं यहाँ से इसे कट नहीं करता तो ये शायद नीचे तक यानी कि इसके जो रूट्स है वहाँ तक पहुँच जाता। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि ये जो सर्कल है वो एक तरह का डिजीज़ है, क्योंकि आमतौर पर किसी भी प्लांट को आप कट करेंगे तो ऐसा सर्कल बीच में दिखेगा, ये नॉर्मल बात है। लेकिन एडिनियम के लिए ये नॉर्मल नहीं है, ये ब्रांच रॉट है। अगर ये बढ़ता ही गया तो आपके पूरे प्लांट को ये मार भी सकता है, इसीलिए मैंने 1-2 सेंटीमीटर जितना और कट लगाया। फिर भी आप देख सकते हैं ये जो सर्कल है वो अभी भी है इसमें, तो मुझे इस प्लांट को और भी ज़्यादा कट करना पड़ेगा। मैंने ऑलमोस्ट 60-70% जितना मेरे प्लांट को कट कर दिया है। दोस्तों, इतना ज़्यादा कट करने के बाद भी इसमें बीच में ये ब्राउन कलर का सर्कल दिख रहा है, यानी कि अभी भी इसमें रॉटिंग हो रहा है। तो अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा तो ये मेरा प्लांट डेफिनेटली पूरा रॉट हो जाएगा और मर भी सकता है, इसीलिए मैं 1-2 सेंटीमीटर अभी इसको और कट करूंगा। मैंने कटर को अच्छे से डिसइंफेक्ट करके 1-2 सेंटीमीटर का और एक कट लगा दिया है। अब आप देख सकते हैं कि मेरी जो एडिनियम की सरफेस है वो थोड़ी सी वाइट दिखने लगी है, यानी कि जो ब्राउन कलर का स्पॉट था वो ऑलमोस्ट निकल गया है, लेकिन अभी भी हल्का सा ब्राउन कलर का स्पॉट दिख रहा है। दोस्तों, यहीं हम गलती कर बैठते हैं कि यार ये तो अब निकल गया है तो अब इसे छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इसके बाद भी आपको 0.5 सेंटीमीटर जितना एक और कट लगा देना है, इसके बाद आपको जो सरफेस है वो पूरी वाइट दिखेगी। अगर अभी भी आपको डाउट है थोड़ा सा, तो ये जो ब्राउन कलर का स्पॉट है इसे आप थोड़ा सा और निकाल लीजिए, ताकि ये पूरा 100% निकल जाएगा। दोस्तों, ज़्यादातर एडिनियम प्लांट्स ब्रांच रॉट से इसी वजह से मर जाते हैं कि हम इसे पूरा निकालते नहीं है। अगर इसमें 1% जितना भी ब्राउन स्पॉट रह गया तो ये आपके प्लांट को मार सकता है। आपकी जो एडिनियम प्लांट की जो सरफेस है वो कुछ इस तरह से पूरी वाइट हो जाए, तभी आप समझिए कि आपका प्लांट सेफ है। इसके बाद इस कट सरफेस पर ये सिनेमन स्टिक का जो पाउडर है ये, या फिर कोई भी फंगीसाइड पाउडर जरूर लगा ले, जिससे इसकी जो सरफेस है वो ड्राई हो जाए और इस पर फिर से रॉटिंग ना हो जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।